नमस्कार, मैं दीपशिखा अभी वर्तमान में इंडियन कल्चरल सेंटर काठमांडू में कार्यरत हूँ एज ए वोकल टीचर कम परफॉर्मर। मैंने अपने संगीत का सफ़र शुरू किया था संगीत भवन एकेडमी से, जो कि मैं जब बचपन में थी तो उस टाइम पे नया नया संगीत भवन एकेडमी खुली थी मेरे घर के ही पास। और मेरे क्योंकि परिवार में संगीत कहीं ना कहीं था, मेरी बुआ ने, मेरी मदर ने संगीत की शिक्षा ग्रहण की हुई थी, तो वो जेनेटिकली कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया। और मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं भी म्यूज़िक में ही एक्सेल करूं, तो उन्होंने एक शौकिया तौर पर मुझे संगीत भवन एकेडमी में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया और वहाँ से मैंने अपने संगीत का सफ़र शुरू किया। मैं एक्चुअली म्यूज़िक को सिर्फ मैंने देखा था, सामने समझा था, लेकिन मेरा म्यूज़िक कब मेरा पैशन बन जाएगा ये मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा श्रेय जाता है गायत्री मैम, स्वर्गीय श्री कमल डेविड सर को, वर्षा दीदी को, कि उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट नहीं एक परिवार के सदस्य की तरह वहाँ पर रखा, मुझे तालीम दी। और मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन ही उधर रहती थी, तो एक प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा की तरह मैंने वहाँ पर सीखा, उनके उनके पास में रहकर उनसे जो कुछ भी मैंने सीखा वो मैंने मेरे संगीत की एक नींव पड़ी वहाँ पर। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बड़े गुरुओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो आज मैं कुछ जो कुछ भी थोड़ा बहुत हासिल कर पाई तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फिर से संगीत भवन एकेडमी को कि उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी निकाला है फेसबुक लाइव कॉन्सर्ट्स, लाइव सेशंस के माध्यम से उनके जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का। और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी। ऐसे ही रहे और हमेशा हम एक परिवार की तरह बने रहें और सीखते रहें। जो कुछ भी आपसे लिया है, जो कुछ भी आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद आप सभी का। एक छोटी सी कंपोजिशन आपके सामने मैं पेश करूंगी, जिसे स्वर्गीय कमल डेविड जी ने बहुत पहले एक प्रोग्राम में करवाया था, श्रीमती डिंपल पाठक जी द्वारा गाए गए है कंपोजिशन। तो छोटी सी कोशिश करूंगी आपके सामने ये पेश करने की।